The one overarching theme in any election in Bihar has been Vikas or development. Now, Vikas is one mudda or issue on which elections have been sought for a long, long time, and more particularly so in the last 15-20 years that Nitish Kumar has been in power. Now, I am in Sasaram. This is a prime area in Sasaram. It's right next to the railway station and 100 meters away from the residence of the local MLA who used to be with the RJD but switched over to the Janata Dal United 3 months ago. Now, this is the state of garbage on the main street here in Sasaram. I mean, this is a mound of garbage right outside the lane that leads to the MLA's house and 100 meters away from both his residence and also the railway station here. Now, it's unimaginable to think that something like this would be present in such a prime area, even in a small town. But I have a few residents here and I want to go and speak to them about this. आपका नाम क्या है सर? अमरनाथ जसवाल. जसवाल सर यहीं के हैं? Yes. ये बताइएगा अमरनाथ जी कि ये जो कूड़े का हाल है ये ऐसा क्यों है और कब से ऐसा है? ये हमेशा जिससे होती रहती है. हाँ. जब यहाँ पर कोई नगर पालिका कोई विधायक है यहाँ वार्ड कमिश्नर का है ना कोई सफाई में ध्यान नहीं देते हैं. आप लोगों ने कभी किसी को बोला? मेन जगह है गांधी चौक, ये मेन नेका गांव धमसाला रोड कहती है. ये बताइए कि सर कभी आप लोगों ने किसी एमएलए से हो या किसी और को कभी बोला है इस कूड़े के बारे में? हम लोग वार्ड कमिश्नर से बोलते हैं तो वार्ड कमिश्नर बोलते हैं कि ये नगर पालिका का काम है. हाँ. नगर पालिका में जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है. बिहार में हम देखते हैं बाकी राज्यों के मुकाबले हर बार विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन ये किस तरह का विकास है? ये बता रहे हैं सर, यह गाँव बड़ा गाँव है, ठीक है, लोग यहाँ कूड़ा फेंकते हैं और दो दिन के अंदर में ट्रैक्टर वाला आता है सारा कूड़ा उठा कर ले जाता है. दो दिन के अंदर. अच्छा. और आप यंग आदमी हैं, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी सर कभी खत्म ही नहीं होगी. बेरोजगारी हमेशा मुद्दा रहेगा. जब सरकार रहेगी सब बेरोजगारी रहेगी. कभी भी आज मेरा बच्चा 10th क्लास में है. हाँ. कल जाएगा वो 10th क्लास जब निकलेगा 12th में. हाँ. तो फिर 20 लाख लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे. फिर बेरोजगारी तो रहे करेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली है. इसका समाधान क्या है? चुनाव में क्या लोग सरकार का मुद्दा है? सरकार मुद्दा उठाएगी, हम लोग को बेवकूफ बनाएगी, हम लोग को वोट देना ही है किसी की भी सरकार बने. नहीं ऐसा नहीं, पहले से तो हालत थोड़ी सुधरी होगी. बहुत सुधरी है. अभी तक कोई गांव नहीं है जहां सड़क नहीं बना है. जाइए आप देखिए पूरे बिहार में. आज से 15 साल पहले हम लोग जाते थे तो कई हम लोग का गाड़ी पंचर होता था. आज देखिए बहिक जाइए, 15 साल पहले 6 बजे पूरा दुकान बंद हो जाता था. आज देखिए 11 बजे 10 बजे दुकान बंद करके लोग घर जाते हैं. लेकिन बेरोजगारी अभी भी है. बेरोजगारी जीवन भर रहेगा, सही, कभी खत्म होने वाला नहीं है. चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात कर लीजिए. आज इनका लड़का 12th में तो इनको नौकरी चाहिए, मेरा लड़का 10th में है तो 2 साल के बाद हमको नौकरी लड़कों को चाहिए. ये कभी खत्म नहीं होगा. 10 लाख नौकरी भी मिल जाएगा तो सर खत्म नहीं होगा. थैंक यू सो मच. वेरी इंसाइसिव कॉन्वर्सेशंस हियर, नॉट ओनली ऑन द गार्बेज बट आल्सो ऑन अदर इश्यूज हियर. बट वेरी डिस्टर्बिंग टू सी दिस इज द कंडीशन ऑफ अ मेन स्ट्रीट हियर इन सासाराम. इट्स समथिंग दैट वन डजंट वांट टू सी बट वन होप्स दैट थिंग्स विल बी ऑन द मेंड एटलीस्ट आफ्टर द इलेक्शंस आर ओवर. विद कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता एंड अजय पांडे, दिस इज आलोक पांडे, एनडीटीवी.